ये हमारी वीडियो देखती है, 15 तारीख से हो गया, कोई वीडियो देखा आपने? कैसे अपलोड करोगे इसको? हाँ, ऊपर नेक्स्ट करो, नेक्स्ट कर दिया, हाँ फिर रुक जाओ, फिर ये अपलोड है, हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा भी हम। ये क्या है टाइटल? जब ये यही तो टाइटल है, यही तो है टाइटल, ये जो टाइटल है ये। कहाँ रुकोगे तुम लोग? कितनी दूर से आए हो? कब से चले हो तुम? कल 12 बजे चले हो। पता नहीं है कि कब मुलाकात होती है? पता था मगर ये मालूम नहीं था कि आप संडे को मिलेंगे। अच्छा, कब से वीडियो देख रहा है मेरा? मेरा वीडियो कब से देख रहा है भाई? कौन देख रहा है वीडियो? कौन देखता है? कभी कल मैं देख लेता हूँ, मैं डिसेंट्री में काम करता हूँ तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है, 1-1 बजे रात तक करते हैं हम लोग। आप देखती है? काम करने का उनको बोला ना था, ये 200-300 कमाते हैं, इससे क्या होता है? कुछ तो नहीं होता है। 200-300 कमाते उससे नहीं होता, तो आपने बोला कि YouTube पे काम करो। तो मैंने अपना लोकल दुकान से अपना YouTube के वो जो भी अच्छा था चालू कराया। अच्छा, चैनल बनवाया जी, और उसके बाद में 1000 सब्सक्राइबर से ज्यादा हो गया, तो मैं बोला कि अब उनसे मैं अपना चैनल नहीं छेड़छाड़ कराऊंगा। तो कौन बना रहा चैनल आपका? जैसे कि वहाँ रहते हैं ना, काम करते हैं, तो लोकल मतलब मोबाइल दुकान है, उनसे करवाया था। तो मैं बोला कि अब ज्यादा सब्सक्राइबर हो गया है तो उनसे छेड़छाड़ करवाने से बताइए अपना वहीं जाके। यहाँ है मुंबई से, यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर पड़ता है, और रात के अभी बजे हुए हैं शाम को 7। अब समझिए आज कौन सा दिन है? बुधवार। हम कब मुलाकात करते हैं? संडे के दिन, ओनली संडे। मिलते नहीं मिलते? मिलते ना सर। नहीं पता ये बातें? पता है नहीं पता? हाँ या ना में जवाब देना बस। पता है ना? पता है ना? तो फिर बुधवार को क्यों चला आया भाई तू? और तू भी आया, साथ में अपनी वाइफ को लाया, साथ में 2 बच्चे भी लाए। ठंड का मौसम है, ये अकेले आते तो हम लोग कहाँ आते? अरे तो अकेले आते तब नहीं आते, तो संडे को आते ना। अब यहाँ कहाँ रख रात में आपको रोके बताओ? पता भी नहीं था कि रूम लेके हम कहाँ ले रहे थे। तो वहाँ कहाँ रहते थे? मुंबई में कहाँ रहते थे बताइए? मुंबई में जैसे कि अपना सेंट्री में काम करते हैं तो कंपनी पत्रे का रूम, तो यहीं यहाँ पर कहीं सो जाइए, रोड में सो जाइए कहीं, उसमें रहते थे हम। नहीं आप बताइए मैडम जी, आपका क्या नाम है? मालती देवी, धमानती देवी। बिहार में कहाँ से हैं आप? पटना। हम लोग राजधानी पड़ता है छपरा जिला पड़ता है। अच्छा आप बताइए, मैं आपसे, आप वीडियो देखते हैं कब से देख रहे हैं? 1 साल से ना? हाँ 1 साल से। 1 साल से देख रहे हैं ना आप मेरे वीडियो? तो मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ, कल ही वीडियो बनाया हूँ, परसों बनाया हूँ, तो मैं सिर्फ संडे को आप आइए मुझसे मिलिए, आपकी जो प्रॉब्लम होंगी संडे को देखूंगा। यार तुम 1200 किलोमीटर मुंबई से यार तुम यहाँ चले आए? ये भी बोलती थी कि संडे का दिन मिलते हैं, और बहुत भी आपके पास आदमी आते हैं ना, तो हम लोग भी देखे देखे मूड बना लिए कि हम लोग क्यों ना चले, हम भी सामने से देख लेंगे और बात भी कर लेंगे, अपना जो प्रॉब्लम होगा सही करा लेंगे। तो काफी आप घर में जाके भी ड्रामा मचाए? और क्या, रोने लगी वहां पर? सुबह भी अभी एक लेडीज आई थी, वो बच्चे लेके, तो वो भी रात में रोने लगी। बात ऐसा है ना कि हम लोग अभी शहर में नए आए। मैं समझ रहा हूँ शहर में आप नए हैं, तो आप संडे के दिन आते तो आपको सब कुछ मिलता वहाँ स्कूल में। अब इस दिन आगे मान लो मैं नहीं होता यहाँ पर, तब क्या होता? वापस जाते नहीं जाते? वापस तो जाते नहीं जाते, मुझे हाँ या ना में जवाब देना बस। जाना ही पड़ता, तो फिर गलत चीज है कि नहीं? ये गलत बात है। जब मैं इतना दिन से चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भाई संडे को आइए, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। निखिल भाई किसी भी दिन आ जाते हैं? इसे किसी भी दिन डेली चले आते हैं लोग। तो अब कह रहे हैं कि कहाँ रुके हैं? कह रहे हैं कहीं भी सो जाएंगे। कहाँ सोगे? मेरे पास यहाँ वो थोड़ी ना, ना तो मेरे रिश्तेदार हो भाई। आप अकेले होते, आप लेडीज साथ में लाए, बच्चे साथ में लाए हो, अब पूरा परिवार लेके साथ में चल रहे हो, मेरे पास कोई यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग थोड़ी ना है, मैं तुमको वहां रोकूंगा यार। हम लोग इसीलिए, आप सोचिए गाँव रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, शहर में छोड़ के। तो आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? गाँव जाएंगे? गाँव जाएंगे ना, अभी शाम को ट्रेन है यहाँ से, ठीक है? जो काम है आपका वो काम हम आपको जो सही कर देते हैं, जिस काम के, किस काम के लिए आए हैं? जैसे कि वीडियो बनाते हैं तो बहुत कम लोग देखता है। अच्छा, बहुत कम लोग देखते हैं, चलिए वो बताते हैं आपको। व्यूज भी ज्यादा था, वो भी सब खत्म हो गया। अच्छा, तो अभी रात में निकल जाना, ट्रेन मिल जाएंगी आपको।
यहाँ मत रुकिएगा, ठीक है लिखो जाएंगे। नहीं समझे आप मेरी बात को? समझ गए। हाँ जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर देते हैं। अभी बताओ इनका क्या करें हम, बताओ हम इनका मारे क्या करें? यही हाल रहेंगे तो मिलना भी छोड़ दूंगा मैं, काम खत्म। बाद में घंटा हिलाते रह जाइएगा सभी लोग, बस और कुछ नहीं। संडे को बुलाते हैं तो संडे को आइए, सिर्फ बस संडे के दिन। मैं कान खोल के बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को, नहीं आज के बाद से कोई भी आएगा वो कट जाए मर जाए मुझसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, अन्य मेरे घर में जाके वो वहां पर रोएगा। क्लियर बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो जी? अब गलती नहीं होगी। अबे तुमसे नहीं होगा, दूसरा कोई आ जाएगा अभी टपक पड़ेगा। एक बात हकीकत है कि आपसे मतलब मिलने का मेरे को बहुत जोश था, जोश था, मिल भी अब जोश है कि नहीं है? है क्यों नहीं है, मगर सामने से आपके, सुनिए आपके स्कूल पे मैं गया था तो मेरे को ऐसे फर्क महसूस हुआ कि क्यों ना जाके अभी मैं बात कर लूं तो ऐसे। चलिए भाई, मैंने फोटो भी वहां से ले लिया वो मोबाइल। चलो तुम्हारी समस्या जो वो बताओ, इसके बाद तुम वापस जाओ आराम से, ठीक है? ठीक है, अब ये गलती मत करिएगा आप लोग भी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? संडे को मुलाकात होती है, संडे को ही फौजी साहब इनको संडे को आए यार। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते? इंस्टाग्राम पे फॉलो किया आपने? सर झूठ नहीं बोलेंगे हम, वो नहीं चलाने आता है, नहीं चलाने आता। यूट्यूब सीखना है, चलाना नहीं आता है। दो दो बच्चे लिए टहल रहे हो, बता रहा हूँ हमें फोन चलाना नहीं आता है, बातें पेल रहे हो हमसे तुम। हाँ जो वीडियो को लाइक करिए और दोबारा बता रहे संडे के दिन मत आइएगा, मूड खराब है बहुत ज्यादा आप तुमको देखते हैं अभी हम। चलिए ऊपर आइए, आइए 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 ऊपर आइए, आइए बेटा आइए, देखते हैं इनको। भैया कितनी बार बोल दिया यार, नहीं ना जैसे कि हम कि किसी भी दिन मत आ जाओ, वेट करेंगे अपना, फिर भी देख लो यार। बताओ मतलब मुंबई से चले आए, बुधवार का दिन है, यहाँ रख दे क्या? सुबह एक लेडीज आ गई, यहाँ रख दे दो बच्चे लेके यार, वो भी बुल्की बहा रही रो रही। यार मैं आपके दर्द को समझता हूँ, इसका मतलब आप मेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझ रहे हो यार? आपको क्या लगता है कि मैं बंद ही कर दूं मिलना, छोड़ दूं, किसी भी दिन ना मिलूं आप लोगों से? गलत चीज है ना ये, जब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ यार। संडे के दिन सब लोग आते हैं तो संडे के दिन आइए ना यार, क्यों समझ में नहीं आता आप लोगों को? तो घर में जाके यार मेरी मम्मी से लड़ते ही जाके, ये कोई तरीका होता है? आज सुबह एक लेडीज पहुंच गई, बताइए कितने मम्मी बता रही है, वो लड़ रही जाके घर पे कि नहीं बाबा जी यहीं रहते हैं घर पे ही हैं, वो लड़ रही है मेरे मम्मी से। बताइए मेरी मम्मी से जाके लड़ने से क्या, मैंने वहां जाके रोने लगती है यार। आपके दर्द को ठीक है, लेकिन जब वो बोल रही नहीं रहता मैं गाँव में नहीं रहता भाई, तो किसी भी दिन आ जाओगे तो मैं बिल्कुल नहीं मुलाकात करूंगा। आइए कहाँ है, बुला उनको बैठाओ। हाँ किराया, अब एक ससुरा इतना बड़ा चूतिया था, मेरे घर गया बताओ, मेरे पापा नहा रहे हैं वो, उसके कच्चे जो नेकर पहने थे वो वीडियो साला शूट करके चुपके से डाल दिया इंटरनेट पे यार, ये कोई तरीका है? आइए बैठिए, आइए 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 बेटा, आइए 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 बैठिए, पानी ले आओ, पानी पिलाओ बैठो। हाँ कहा नाम है तुम्हारा? डरता? अरे नहीं 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 तेजी, अच्छा ठीक ठीक, अरे दैया रे, अरे दैया रे, अच्छा अच्छा चलिए पापा के पास जाओ, पापा के पास जाओ। चलो क्या दिक्कत है बताइए, अब समस्या बताइए, क्या चैनल आपका दिखाओ, दिखाओ। ऐसे लोग गए थे यार एक दिन, बताओ मेरे पापा के कच्चे की नहा रहे हो नेकर, वो चुप्पे चुप्पे वीडियो बना के डाल दिया इंटरनेट पे, इतने बड़े बड़े चूतिया जाते हैं और वही उसको अंदर बिठाया गेट के अंदर, और साला वो पैसा मांग रहा था किराया। साले तुम ढींगर, हाँ ढींगर हंसो, 40 से 45 साल का था, साले तुम ढींगर हंसो, तो मेरे पापा से जाके वहां किराया पैसा मांग रहे हो, किराया दे दो हमको, हमारे पास किराया नहीं है, ये कोई तरीका है? अरे तुम आ रहे हो तो उस चीज को लेके आओ ना यार, अब यहाँ किराया थोड़ा देने आया हूं मैं। आज सुबह आ गई एक लेडीज, वो भी किराया मांग रही, उसको मैंने पैसे दिए, तो किराया थोड़ा देता रहूंगा यार सबको मैं। AKD डांसर, यही चैनल है ना आपका जी? देखिए इनका चैनल है ये AKD डांसर, ये चैनल है, देखो इधर आप लोगों का इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे भैया, इनको जाके सपोर्ट करिएगा। देख लेते क्या दिक्कत, क्या समस्या, क्या बताओ अब तुम? समस्या यही है कि मतलब हम लोग जैसे कि ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग वीडियो बनाते हैं शहरी, कौन देखता वीडियो हमारी, अपलोड कौन इसमें, अपलोड कौन करता है इस चैनल पे, इस चैनल पे अपलोड कौन करता है ये बताओ? ये मोबाइल दुकान वाले भाई बोल देते हैं। अपलोड कौन करता है इस पे वीडियो, गेट बंद करो तुम, डालता कौन है इस चैनल पे वीडियो? यही डालते हैं आप? डालते हैं
ठीक है आप चलिए ठीक है वीडियो बनाते हैं। चलिए आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन देखिए, अच्छा देखिए आप गौर से देखिए इनके चैनल को, कोई टाइटल नहीं डाल रहे वीडियो में, बताओ कोई टाइटल नहीं है, ये देखिए कोई टाइटल नहीं डाला है, देखिए कोई टाइटल नहीं है, बिना टाइटल के वीडियो डाल रही हो आप। बनाने नहीं आता है टाइटल, बनाया जाता है क्या? एक काम ही पढ़ाते हैं, थकान से आगे सो जाते हैं, बोलते हैं। समझ रहे हैं तो वही भैया, अच्छा ये बताओ वो नहीं कमाएंगे दमाएंगे तो बच्चों का खर्चा और आपका खर्चा कौन उठाएगा? मेरी बात नहीं समझे? तो अगर आपको बनना है, आप सीखना चाहते हो तो आपको तो ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी ना। कब से देख रहे हो आप हमारी वीडियो? हम एक साल से देख रहे हैं। एक साल से देख रहे हो आप मेरी वीडियो और आपको टाइटल डालना नहीं है? साला मेरा तो यूट्यूब करियर धराम हो गया। बात ये है कि हम लोगों के पास पैसा नहीं रहता था। लास्ट में क्या लो आप नापते हैं कि जनवरी करता है ना, सब वो नहीं है वो सब। और पैसा भी हम लोग के पास जुटता नहीं था आने के लिए, कैसे कैसे हम लोग जुड़ के इतना पैसा इकट्ठा करके फिर आए। मन से बोल रहा हूँ मैं सर। तो भाई जब पैसा नहीं था मत आते अभी यार, क्योंकि मेरे को जरूरी था। मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपके पास पैसा नहीं था आप मत आते भाई, मैं ये कह रहा हूँ। हम लोग दो साल से बाहर में, बाहर से दो साल। अब बताइए ये शॉर्ट वीडियो भी बनाती है, बताइए शॉर्ट वीडियो किसी में टाइटल, मतलब टाइटल का नाम नामो निशान नहीं है पूरे वीडियो चैनल पे, तो बिना टाइटल के कैसे है? आपको क्या लगता है यूट्यूब पे ऐसे पैसा मिल जाएगा? सीखना पड़ेगा पहले। क्या करते हो आप, एकेडी डांसर आप लोग, इनके चैनल पे जाके इनको समझाइए, कमेंट करके बताइए कि इनको क्या क्या सीखना है, बताइए। कोई वीडियो में इनका टाइटल नहीं है, ना शॉर्ट वीडियो में टाइटल है, सिर्फ गाना लगाया और वीडियो शूट करके डाल दिया। तो वो बच्चा डांस बहुत अच्छा कर लिया तुम्हें मेरे आरुख साथ डांस कर रहे हैं, कहा तो हम नहीं कर पाते ना डांस का, हम मेरे को आता बस ऐसे ही है। तो ये कौन है फिर इसमें, मतलब ऐसे कभी कर आप ही तो हैं अरे वाह एक्टिंग तो बढ़िया है आपकी हैं भैया, हाथ जोड़ते हैं आप, मैडम जी कुछ सीख जाइए, ये टाइटल कुछ तो सीखिए, क्यों नहीं सीखे? मेरे चैनल पे सबसे टॉप वीडियो है, बताइए। ये चैनल बनाने के लिए मेरा सब कोई छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया सब कोई? सब रिश्तेदारी। अरे रिश्तेदारी छोड़ दिया, अब ये रिश्तेदारी, रिश्तेदार खिलाता है क्या खाना? रिश्तेदार दे रहा क्या? हाँ रिश्तेदार खिलाता है क्या खाना, बताओ ये बताइए आप। मेरे चैनल पे सबसे पॉपुलर वीडियो है यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का तरीका, गरीबी थी वो तो चैनल पे टॉप वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वीडियो अपलोड करने का तरीका क्या है, कैसे टाइटल डाला जाता है कैसे। और मैडम ने आज तक एक साल से वीडियो देख रही है और टाइटल डालने का सबूर नहीं आया है, है? सर्रा मानी चाहिए हमको कि हम तुमको सिखा रहे हैं और तुम क्या देख के सीख रही हो आई डोंट नो, तुम देख के सीख क्या रहे हो आप हमारी वीडियो पे, बताइए क्या देख के सीख रहे हो आप मेरी बात को? वही देख रहा हूँ ना मैं वीडियो, कितना सीखते हो आप वही देख रहा हूँ आपकी वीडियो, बस ये खोजा है घर कहाँ है नंबर कहाँ है बस, इसके बाद ये गाने सुनना है, देखो देख लो। ये शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए वो गाना बजाती है यूट्यूब से, ठीक है बजाते हो लेकिन सीखते कहाँ हो बताओ, दूसरों के ब्लॉग वीडियो देखते हो घंटा और सीखते नहीं हो, देख लो ये ब्लॉग वीडियो दूसरों के चैनल के देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, ये कभी ये नहीं देखते हैं कि YouTube पर वीडियो कैसे डाले, तरीका क्या है बताओ। इन सब लोगों के जो व्लॉग वीडियो देख रहे हैं कैसे डाल रहे हैं, सुधर जाओ अर्जुन नहीं तो जेल जाओगे, तो ये टाइटल ही तो है, यही तो टाइटल है, तो देखे नहीं है तो ये हिस्ट्री में है, ये हिस्ट्री है आपकी YouTube हिस्ट्री जो कि आपके द्वारा देखा गया है, देख लो यही मैं देख रहा हूं, देखो कोई वीडियो नहीं है YouTube चैनल कैसे सीख रहे, हमारी वीडियो देखती हैं है? ये हमारी वीडियो देखती हैं, 15 तारीख से हो गया कोई वीडियो देखा आपने, देखो वीडियो ये हमारी वीडियो देखती हैं, ये वीडियो देखती हैं, ये क्या देख रहे हो तुम, देख लो कोई राज ये इसके ब्लॉग उसके ब्लॉग देखती, ब्लॉग चैनल चलाती है देखती ब्लॉग, तो घंटा सीख जाइएगा कुछ, टाइटल डालना सीख जाइएगा आप,
मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जब ये सब देख रहे हो, जब ये सब देख रहे हो, जो ये जो वीडियो देख रहे हो, ये आपकी हिस्ट्री है, आपके द्वारा दिखा गया ये वीडियो सब, ठीक है। तो जो विष्णु मालती इन्होंने टाइटल डाला है, सुनिए इधर, ये जो इनके पास सीखा है, इनके सहूर आया है, ये जो टाइटल डाला है, ये विष्णु राज मालती, ये टाइटल है। कैसे बनाने आ जाता है? तो जब इनके वीडियो देखिएगा तो क्या सीखिएगा बताओ? मेरी बात सही समझ रहे? एक साल हमारी वीडियो देख रहे, कैसे लुक बना लेती, देखते किसी लुक बना लेता है, ये इनके वीडियो देखने नहीं बना लेता, खाना नहीं होता, सिर्फ कुछ सीखना होता है, सिखाते हैं इतना, जब तुम लोग जैसे नहीं सीख पाओगे तो काम मैं सिखाने आऊंगा घर आपके, इसी गिरी करके देसी। जब तक आप खाना बना रहे हैं, आलू काटना आता नहीं है, सब्जी बनाने चल देंगे, कैसे अपलोड किया जाता है सिखाएं, करिए, खुद से करिए, अपलोड करिए कोई वीडियो, शॉर्ट, फुल, लॉन्ग, कोई भी डालो, लॉन्ग वीडियो अपलोड करिए, हाँ बनाइए, चलिए ऐसे बना लीजिए, लीजिए बनाइए, बोलिए, हाँ भाई, हेलो गाइस, मेरा भैया आए जाए, हम भी भैया से बात करने आए हैं, भैया नहीं बाबा जी हैं, अच्छा ठीक है, बाबा जी, सॉरी, हाँ बाबा जी है, भैया है, हम भेंट करने के लिए बहुत दूर से, ये मुंबई से आए भैया, लाइक करो, सपोर्ट करो, बन गया वीडियो, ठीक है, अब इसको कैसे अपलोड करोगे, आओ इधर दिखाओ, कैसे अपलोड करोगे इसको, हाँ ऊपर नेक्स्ट करो, नेक्स्ट कर दिया, हाँ फिर रुक जाओ, फिर ये अपलोड है, हाँ तोड़ देंगे तुम्हारा भी हम, ये क्या है टाइटल, जब ये यही तो टाइटल है, वो तो यही यही तो है टाइटल, ये जो टाइटल है ये इसमें डालोगे, क्या करने आओ, किसके साथ हो, किससे, किसके साथ हो, भैया के साथ, कौन भैया, आप YouTube वाले बाबा के साथ हो, इसमें क्या लिखोगे, YouTube वाले बाबा के साथ एक मुलाकात, लिख गया नहीं लिख गया, जब हाथ नहीं काम कर रहा तो ये क्या बोलने वाला, क्या फीचर ये वाला, हेलो गाइस कैसे हैं, लिख रहा है पता नहीं था, हाँ एक साल से तुम बस वही चूल्हा चौकड़ पर आवत हो, बस YouTube चलाओ नहीं आता है, बस दूसरों के वीडियो देखना आता है, डाला यहां से क्लिक किया, इसमें पेंसिल में ये थंबनेल सेट कर दिया, ये थंबनेल सेट कर दिया, इसे करके जो थंबनेल लगाना है हमारे साथ लगाना है, तो हमारे साथ ये थंबनेल लगा दिया, इसे जो थंबनेल लगाना है वो यहां पर रोकेंगे और वो आपका थंबनेल बन जाएगा, ये क्लिक कर दिया, थंबनेल बन गया, हो गया, हैशटैग डालना है तो हैशटैग डाल सकते हो, हैशटैग शॉर्ट्स आ गया, हैशटैग टेक चैंपियन सपोर्ट, किसके पास आई हो, टेक चैंपियन सपोर्ट के पास आई हो, जिसके पास, ये डाल दिया, अब यहां से पब्लिश किया, नो ऑडियंस, नो कर दिया, ठीक है नॉट, ये सही है, इसके बाद यहां से अपलोड कर दिया, सब कुछ लिखने के बाद अपलोड करें, हाँ पहले रंग लिख ऐसे दबा देती हो तुम तो, कहां से टाइटल आई तुम्हारे, कहां से दिमाग चली, बुद्धि, खाना खाना आता है, रोटी बनाना आता है, आता नहीं आता, रोटी बनाने से पहले आटा निकालती हो, गूंथते हो उसको, फिर उसको लोई बना के बेलती हो ना, तो तुरंत तो नहीं रोटी बन जाती है, तो YouTube पर भी जब वीडियो डालोगे तो कैसे डालोगे, पहले वीडियो बनाओगे अच्छे से, इसके बाद उसको अपलोड करके टाइटल डालोगे सुंदर सा, हैशटैग लगाओगे, थंबनेल सेट करोगे, तभी तो अपलोड होगा ये वीडियो, बताओ ये क्या आया वीडियो, अभी रुक जाइए, अभी आ जाएगा वीडियो, टाइटल कुछ भी नहीं है वीडियो में, कोई टाइटल नहीं है, कोई टाइटल है किसी में, तो YouTube ऐप है, देखो कोई टाइटल नहीं है, बताओ, अब देख YouTube स्टूडियो ऐप है, देखो कोई टाइटल नहीं, ना शॉर्ट में है ना लॉन्ग पे, कोई टाइटल नहीं है, बताओ एक मिनट, तो अच्छा ये बताओ, तो यहां से अपलोड इधर करने के बाद इधर देखो, यहां पर क्लिक करके, इसमें क्लिक किया आ गया ये, यहां पेंसिल पे क्लिक करके, यहां से ये टाइटल नहीं डाल सकते हो, जहां ये डेट पड़ी है, ये यहां लिख नहीं सकते हो कि वीडियो में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हेलो फ्रेंड्स, कुछ लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, गुड मॉर्निंग, मतलब गुड मॉर्निंग के बोल रहे हैं, जो ब्लॉग बना रहे हो तो वो कुछ तो लिख सकते, तो टाइटल है, एक साल से वीडियो देख रही, कुछ पता नहीं है,
चले आए मुंबई से बस ऐसे। हमारे हमारे लिए शर्म की बात है कि हम साला तुमको सिखाते क्या है, तुम कहते हो कि हमने इतने वीडियो डाला, मेहनत किया, हमारा वीडियो नहीं चल रहा है। वो जो जिनके वीडियो देखती हो ना, देखो क्या देख रहे हो, देखो देखो तो क्या देखते क्या हो तुम, देखो ना क्या देख रहे हो तुम, बताते हैं। ये जो देख रहे हो, जिनके वीडियो देखते हो ना, ये हिस्ट्री, यहां से मैंने हिस्ट्री देखा। ये जो हिस्ट्री आप देख रहे हो ना, ये आपके द्वारा देखी गई वीडियो है सारी। ये सब जो वीडियो, ये तो अभी देखो आपने मेरे आके, यहाँ पर रुकिए कहाँ गए, रेफरेंस नेट नहीं चला गया। ये तो अभी आपने लेटेस्ट में देखा कि घर जाना है उनके मिलने। ये जो वीडियो देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, ये जिनके ब्लॉग देख रहे हो, गाने सुने, ये जो ब्लॉग देख रहे हो दूसरों के, ये वीडियो देख रहे हो, इन्होंने टाइटल डाला नहीं डाला, देखो टाइटल डाला है। जिनके वीडियो खुद देखते हो आप, सब पुराना हो गया लोग ना, तो पुराना हो गया एक साल, तुम्हें भी तो हो गया। मेरा भी एक साल हो गया। कितने वीडियो डाल दिया तुमने, 13, देखो इधर आओ, 1300 वीडियो डाल दिया है, 1300 वीडियो। तो कब से किए, बुढ़ाई बेरस की हो, जब 5000 वीडियो डाल दोगे, बताओ 1300 वीडियो डाल दिया। कह रही कह रही कि हम हाँ वो पुराने हो गए, हम नए हैं। 1300 वीडियो डाला आपने, आप बच्चा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कौन सा पढ़े लिखी है, वो भी तो सीखा ही है। हम क्या सिखा उनको, हम क्या बताए उनको, तुमको बता दिया और क्या है। चैनल आप कैसे देखो, ये हालात कैसे बनेंगे यूट्यूबर, चैनल पता नहीं क्या सेटिंग किए हैं क्या नहीं किए हैं, कोई चैनल की कैटेगरी नहीं होगी, पता है ना मुझको, कोई नहीं होगा, ऐसे काम कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको, देखो ये वीडियो डाला है ब्लॉग वीडियो, देखते हैं इनके पेंसिल पे जाते हैं, देखते हैं क्या कर रही हैं ये। टैग पीपल एंड ब्लॉग्स, ठीक है टैग, ना कोई टैग डालना कुछ नहीं, ऐसे अपलोड कर देना, डिस्क्रिप्शन AKD डाल सर भाई, ये लिख देती डिस्क्रिप्शन, कुछ भी। थंबनेल तक बनाना आता नहीं तुमको यार, थंबनेल भी नहीं बना पाते हो तुम जैसे वो लोग बनाते हैं, कभी सीखा है थंबनेल बनाना है? सीखा तो भाई नहीं आता था, भुला, ये है तो पिक्सल है, भुला गए। हाँ तो हर कप खाब नवा है, उसको समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पहली बात तो संडे को आते तो हमें भी अच्छा लगता, बिना संडे चले आए तुम भैया, इनका चैनल सही कर देते, समझा देते हैं। और आप लोग भैया इनको जाके चैनल पे जाके इनको थोड़ा सा बताओ क्या करना है क्या नहीं करना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार। और हाँ संडे के दिन ही आना है, बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं, ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद कोई भी आए मर जाए कट जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं घंटा नहीं मिलूंगा किसी से, ओनली संडे। और जिस संडे नहीं मिलूंगा मैं स्टोरी लगा दूंगा इंस्टाग्राम पे, बस बाकी तुम लौटो यार कहीं से भी आओ, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो, गरीब हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। बस इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना यार, वहां पर सारे अपडेट देता हूँ, अगर मिलने आना है तो, समस्या है तो ही आइएगा। अब इनको समस्या थी, अगर संडे को आते तो बढ़िया, अच्छा लगता हमें भी। चलो ठीक है, बंद करो।